खबर सितारगंज से है, जहां चुनाव निर्वाचन अधिकारी सितारगंज विधानसभा तुषार सैनी एवं नानकमकता विधानसभा के निर्वाचन अधिकारी विवेक रॉय ने राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के साथ आदर्श आचार संहिता को लेकर परिचर्चा की। इस दौरान सभी से नियमों का पालन करने की अपील की। चुनाव निर्वाचन अधिकारी विवेक रॉय ने कहा कि हर प्रत्याशी पूरी चुनावी प्रक्रिया में नियमों का पालन करे। किसी भी प्रत्याशी के केवल 5 ही समर्थक डोर टू डोर चुनाव प्रचार कर सकेंगे। अगर कोई भी प्रत्याशी या उसका समर्थक नियमों का उल्लंघन करते दिखाई दिया तो उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। साथ ही कहा कि कोई भी प्रत्याशी अपना नामांकन करने 2 या 2 से अधिक व्यक्ति को साथ लेकर नहीं आ सकता। निर्वाचन आयोग द्वारा 2 ही वाहनों की अनुमति प्रत्याशी को दी जाएगी। किसी भी प्रकार की सभा जुलूस रैली की कोई भी अनुमति नहीं है। सभी प्रत्याशी एवं उनके समर्थक आदर्श आचार संहिता के नियमों का पालन करें। किस जगह पोस्टर बैनर की छपाई की गई है इसकी जानकारी जिला निर्वाचन आयोग को देनी होगी। 2 विधानसभाओं का जो है नॉमिनेशन सेंटर यहाँ पे मंडी में है। दोनों आरोज के द्वारा जो राजनीतिक दल हैं उनके साथ अवेयरनेस के लिए एक परिचर्चा की गई। उनको जो है नियमों से बताया गया, आदर्श आचार संहिता पालन करने के लिए उनको अवेयर किया गया। और जो भी आगे की गतिविधियां हैं उसमें जो हमें निर्वाचन आयोग से मिले हुए हैं सूचनाएँ वो उनके साथ शेयर की गई। 5 लोग क्या? अच्छा, कन्वेंसिंग होगी, डोर टू डोर होगी। 5 लोग से ज़्यादा कन्वेंसिंग में शामिल नहीं होंगे। अभी किसी प्रकार की सभा जुलूस नुक्कड़ नाटक इस तरीके के करने की अनुमतियाँ नहीं है, ये उनको बताया गया। विकल्प प्रत्याशियों के लिए खुले हुए हैं, सुविधा ऐप के माध्यम से वो ऑनलाइन नामांकन करेंगे, लेकिन ये प्रतिबंध लगाया गया है कि जो लोग ऑनलाइन नामांकन करेंगे वो प्रत्येक दशा में ऑफलाइन फॉर्म अपना जो है भर करके प्रस्तुत करेंगे। तो यह आवश्यक है कि वो पूरी तरीके से भरा हुआ फॉर्म उसकी जो है हार्ड कॉपी प्रस्तुत करेंगे आरओ के समक्ष, चाहें तो ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं।